हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक का न्यू फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जो कि स्पेशल टेन्योर एफडी रेट है और क्या है ये स्कीम में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और ये जो स्कीम है ये नॉन कॉलेबल एफडी स्कीम है, मतलब आप लोग इमरजेंसी के वक्त ये स्कीम से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना है बिफोर डूइंग एफडी। ठीक है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं क्या है स्पेशल टेन्योर एफडी रेट और क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमर को और कितना अमाउंट से आप लोग ये एफडी स्टार्ट कर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने अपना न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है और उसमें जो है नॉन कॉलेबल एफडी रेट उसको भी इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उस स्कीम का नाम है पीएनबी उत्तम नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, फॉर डिपॉजिट अबव रुपीज 15 लाख के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आपके पास 15 लाख है देन ओनली आप ये स्कीम में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, उससे कम से ये स्कीम ओपन नहीं होने वाला है। ठीक है, पीएनबी उत्तम नॉन कॉलेबल एफडी है और ध्यान रखने वाला बात है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है, ये इस स्कीम में आप लोग इमरजेंसी के वक्त पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं क्या है इंटरेस्ट रेट ये स्कीम में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तीन कैटेगरी दिया गया है, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। नॉर्मल सिटीजन बिलो 60 ईयर्स और सीनियर सिटीजन एबव 60 ईयर्स और सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स एबव। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 444 डेज के लिए एप्लीकेबल ये स्कीम और इसमें जो है 7.30 मिल जा रहा है फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 7.80 और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 8.10। ठीक है, और ये जो है ये 444 डेज स्कीम के लिए एप्लीकेबल है। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ 666 डेज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7.10 नॉर्मल सिटीजन केस, 7.60 और 7.90 सुपर सीनियर सिटीजन केस को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो है 444 डेज में, जो कि 8.10 है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो और ये जो मैच्योरिटी होने वाला है 365 प्लस 3 मंथ्स के आसपास मैच्योरिटी होने वाला है ये 444 डेज। ठीक है, कम ड्यूरेशन में भी आप लोग को अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा और आपका पैसा जो है अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकेगा। ठीक है, तो चलिए अभी एफडी कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीएनबी एफडी मैच्योरिटी कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अमाउंट 444 डेज के लिए एप्लीकेबल है नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है वो 16 लाख से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि मिनिमम जो है 15 लाख से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, उससे कम से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, और 444 डेज के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्मल सिटीजन को 17,47,780 रुपीज़ मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन को 17,58,283 रुपीज़ मिल जाएगा और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 17,64,609 रुपीज़ मिल जाने वाला है। और ध्यान रखने वाला बात है, मैं जो भी यहाँ पे बताया हूँ वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे बताया हुआ हूँ। ठीक है, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप लोग को ये पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 17 लाख में 18,57,016 रुपीज़ मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन केस में 18,68,176 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 18,74,897 रुपीज़ मिल जाएगा। अगर आप लोग 18 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 19,66,253 रुपीज़ मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन केस में 19,78,069 रुपीज़ मिल जाएगा और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 19,85,185 रुपीज़ मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉर्मल सिटीजन केस में 21,84,725 मिल जाने वाला है और सीनियर सिटीजन केस में 21,97,854 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 22,57,161 रुपीज़ मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 30 लाख इन्वेस्ट कर नॉर्मल सिटीजन को 32,77,088 रुपीज़ मिल जाने वाला है और सीनियर सिटीजन केस में 32,96,782 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 33,86,042 रुपीज़ मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 40 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 43,69,451 रुपीज़ मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन केस में 43,95,709 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 44,11,523 रुपीज़ मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 54,61,814 रुपीज़ और सीनियर सिटीजन केस में 54,94,636 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 55,14,404 रुपीज़ मिल जाने वाला है। ठीक है, जो कि 444 डेज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ 666 डेज के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अमाउंट नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेम है 16 लाख और नॉर्मल सिटीजन केस में 18,19,561 रुपीज़, सीनियर सिटीजन केस में 18,35,963 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 18,48,865 रुपीज़ मिल जाने वाला है। और जो भी मैं बताया हूँ वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे बताया हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग अपना अमाउंट के ऊपर जानना चाहते हो देन कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर जो है दे दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 17 लाख नॉर्मल सिटीजन को 19,33,284 रुपीज और सीनियर सिटीजन को 19,50,710 रुपीज और सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 19,61,231 रुपीज मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 18 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 20,47,006 रुपीज और सीनियर सिटीजन केस में 20,65,450 रुपीज और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 20,76,598 रुपीज मिल जाने वाला है। और अगर आप लोग 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 22,74,451 रुपीज और सीनियर सिटीजन केस में 22,94,953 रुपीज और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 23,73,31 रुपीज मिल जाने वाला है। और अगर आप लोग 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 34,11,677 रुपीज और सीनियर सिटीजन केस में 34,42,430 रुपीज मिल जाने वाला है और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 34,60,997 रुपीज मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 40 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 45,48,903 रुपीज और सीनियर सिटीजन केस में 45,89,907 रुपीज और सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 46,14,663 रुपीज मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 56,86,129 रुपीज और सीनियर सिटीजन केस में 57,37,384 रुपीज मिल जाने वाला है और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 57,68,329 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था पीएनबी का स्पेशल टेन्योर नॉन कॉलेबल एफडी के बारे में जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 18 मई 2023 से। तो ये था पीएनबी का फिक्स्ड डिपॉजिट रेट नॉन कॉलेबल नॉर्मल सिटीजन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस में। ठीक है, और 666 डेज के लिए एप्लीकेबल है ये स्कीम और 444 डेज के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।